हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग टैली प्राइम को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूँ मैं अपने वेब ब्राउज़र पर। वेब ब्राउज़र पर आने के बाद आपको यहाँ पर गूगल सर्च करना है और गूगल में यहाँ पर दिखना है आपको टैली सॉल्यूशन। टैली सॉल्यूशन सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो वेबसाइट दिख रहा है tallysolution.com, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेक ए फ्री ट्रायल, उसके बगल में लिखा हुआ है अपग्रेड नाउ। तो इधर पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड का एक बटन बना हुआ है। इस डाउनलोड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने में एक नया विंडो खुल के आएगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है टैली प्राइम रिलीज 2.1। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टैली प्राइम रिलीज 2.1 वर्जन वाले पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने में टैली प्राइम डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे दिख रहा है टैली का सेटअप मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद कुछ देर आपको वेट करना है तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये मिनिमम 4.1 MB का है तो ये आपका कुछ देर में डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा टैली का सेटअप डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद वेब ब्राउज़र को अभी हम लोग बंद कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा टैली का सेटअप यहाँ पे आ चुका है, जो कि अभी हम लोग डाउनलोड किए थे। और डाउनलोड करने के बाद अब इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने से पहले, अभी मेरे पास टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर पहले से ही मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो सबसे पहले हम अनइंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे कंट्रोल पैनल में। आपको यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल, तो आपके सामने में कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने में जितना भी सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में सारा यहाँ पे शो होगा। तो अभी हमको करना क्या है कि यहाँ पे टैली प्राइम को अनइंस्टॉल करना है। तो टैली प्राइम आपका यहाँ पे नीचे में होगा, तो देख लेते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा टैली प्राइम यहाँ पे दिख रहा है। तो टैली प्राइम पे आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अनइंस्टॉल का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी हम लोग अनइंस्टॉल कर लेते हैं टैली प्राइम को। और यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग खुला है तो इसको अभी हम लोग क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। जैसे यस करेंगे तो मेरा टैली प्राइम क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा जो कि अनइंस्टॉल मेरा हो चुका है। इसको यस करेंगे और अनइंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा रहा है, अनइंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे मेरा अनइंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद अभी हम लोग करेंगे क्या कि फिर से इसको इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे अभी हम सेटअप फाइल को डाउनलोड किए कहाँ से, इंटरनेट से, टैली सॉल्यूशन के वेबसाइट से। और अभी इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक विंडो खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे टैली प्राइम सेटअप मैनेजर खुल गया है। और यहाँ पे आपको तीन चीज़ दिख रहा है। पहला तो दिख रहा है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा दिया है मोर एक्शन का, और तीसरा दिया है इंस्टॉल का। तो तीन बटन बना हुआ है। एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है टैली प्राइम, और वर्जन कौन सा है मेरा 2.0 है, और ये कहाँ पे अभी इंस्टॉल होगा, तो सी ड्राइव में जाके, प्रोग्राम फाइल्स में और टैली प्राइम में जाके इंस्टॉल होगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है कॉन्फ़िगर पे। कॉन्फ़िगर पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने में एक लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है एप्लीकेशन का नाम, दूसरा दिख रहा है एप्लीकेशन पाथ, कहाँ पे इंस्टॉल होगा, तो सी ड्राइव में। यदि आप चाहते हैं कि इसको हम कहीं और इंस्टॉल करें, जैसे आप डी ड्राइव में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं टैली प्राइम को। आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद ये जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और अपना डी ड्राइव सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका टैली प्राइम क्या होगा, वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यदि मान के चलिए कभी आपका कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाता है या कोई भी इशू होता है, तो हम लोग करते क्या है कि सी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं। तो सी ड्राइव को यदि हम फॉर्मेट करेंगे तो मेरा टैली प्राइम का जो सेटअप है, जो कि अभी इंस्टॉल होगा, वो भी मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मेट में हट जाएगा। तो आप चाहते हैं डी ड्राइव में करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए डिफॉल्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है टैली प्राइम लिखा हुआ है, नीचे लिखा है क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट। यदि आप इसको नो कर दीजिएगा यहाँ से, तो आपका क्या होगा कि डेस्कटॉप पे जो शॉर्टकट बनता है टैली प्राइम इंस्टॉल होने के बाद, वो आपका नहीं बनेगा।
तो वहाँ से आप यस नो कर सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है डेस्कटॉप शॉर्टकट नेम, यदि आप चाहते हैं कि टेलीप्राइम का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है क्रिएट स्टार्ट मेनू एंट्री, स्टार्ट मेनू में यदि आप शो कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आप यस करिए, नहीं तो नो भी रहने दे सकते हैं। तो हम रहने देते हैं यस। उसके बाद यहाँ पे भी आप नाम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जो है डिफ़ॉल्ट रहने देना है। समझने के लिए हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक किए थे। आपको यदि डी ड्राइव में अपना टेलीप्राइम को इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे मोर एक्शन का बटन, जैसे ये मोर एक्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछता है कि इंस्टॉल न्यू, और दूसरा लिखाता है सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव, मतलब टेलीप्राइम में जो भी हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे उसका डेटा कहाँ पे सेव होगा। तो इंस्टॉल न्यू करेंगे तो नया जगह पे होगा, और जो मेरा पहले से है तो इसको भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, और डायरेक्टली हम लोग नॉर्मल यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेरा इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ टाइम लगेगा और आपका टेलीप्राइम इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आपका टेलीप्राइम इंस्टॉल होगा तो आपके सामने में टेलीप्राइम का विंडो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा टेलीप्राइम सक्सेसफुल्ली इंस्टॉल हो चुका है, और अभी हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट टेलीप्राइम पे। जैसे ही स्टार्ट टेलीप्राइम पे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने में टेलीप्राइम का विंडो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि टेलीप्राइम ओपन होना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा रहा है वेलकम टू टेलीप्राइम, और यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो गया और ओपन भी हो गया। तो इसमें आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अभी हम इसको क्लोज करते हैं। जैसे ही हम यहाँ से क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद यहाँ पे क्विट का ऑप्शन आता है, आपको इसको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करिएगा तो आपका टेलीप्राइम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा शॉर्टकट बन के आ चुका है टेलीप्राइम का। हमको शॉर्टकट पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे हम शॉर्टकट पे डबल क्लिक करेंगे तो मेरा टेलीप्राइम ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है, और आपको यहाँ पे नीचे चार चीज़ दिख रहा है। चार चीज़ में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट वाला पे कंटिन्यू इन एडुकेशनल मोड, हम लोग जो भी चीज़ सीखेंगे टेलीप्राइम में वो सारा कुछ सीखेंगे अभी हम लोग कंटिन्यू इन एडुकेशनल मोड में। तो आप जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करिएगा टी, आपके सामने में टेलीप्राइम का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ दिख रहा है, कंपनी क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, सेलेक्ट रिमोट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे क्या करना है टेलीप्राइम में। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग टेलीप्राइम को टेली सॉल्यूशन वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद कैसे इंस्टॉल करेंगे, यदि हमको डी ड्राइव में इंस्टॉल करना है तो डी ड्राइव में कैसे करेंगे, और सी ड्राइव में करना है तो सी ड्राइव में कैसे करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।